हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग अभी अभी सोके उठा हुआ जस्ट और बहुत दिनों से मैं वीडियो बना नहीं है पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था और कुछ ऐसे परेशानी थी जिसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था अभी कुछ दिनों से मेरे एक प्रॉब्लम चल रहा है मेरे पैर में एक ऑपरेशन हुआ है नी का आप लोगों को सब डिटेल्स में बताऊँगा सर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सो so गाइज मैं मुँह से धोके फ्रेश होके आ गया अभी आप लोगों को बताता हूँ मेरे साथ हुआ था क्या एक्चुअली uh, मेरा जो लेफ्ट पैर है ना उसका जो नी है उसमें खट खट करके आता था दो साल पहले से यह सला रहा था uh, सला आ रहा था लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता मुझे मैंने समझा था क्या uh, मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसलिए शायद ऐसा हो होगा लेकिन कुछ दिन पहले करीबन फिफ्टीन डेज पहले मेरा पैर लॉक हो गया था और फेयर को ऐसे नीचे से उठाने पर लॉक खोल जाता था ऐसा होने लगा फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया ऑटोमेटिक डॉक्टर को और ऑटोमेटिक डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया उसमें कुछ नहीं आया उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि एम करो एम करने का बाद पता चला कि लेटरल मिनेस टियर मतलब मेरा जो हड्डियों के में मसल होता है ना उसमें तीयर आ गया है हॉराइजी इसलिए मुझे ऑपरेशन के लिए कहा मैंने बहुत सोचा समझा और लोगों को लोगों से बात की फिर मुझे ठीक लगा कि मैं पटना चला जाऊँ और मैं डिसीजन ले लिया कि मैं पटना में जाकर ऑपरेशन करूँगा और उसके बेस्ट डॉक्टर को दिखाऊँगा फिर मैंने ट्रेन टिकट देखा वो अवेलेबल नहीं था फ्लाइट टिकट देखा वो भी बहुत ज़्यादा था एफर्ट करने के लिए बिकॉज वापस जाके मुझे ऑपरेशन भी करना था सो मैंने सोचा कि बाहर चलते हैं हमारे घर से पटना टाउन के लिए 880 एट्टी किलोमीटर है तो मैंने सोचा बाहर चलो उसके लिए एक प्रॉब्लम था कि बेस्ट एंड बेस्ट ड्राइवर चाहिए था मैं तो ज्यादा टाइम ड्राइव कर सकता था लेकिन आते टाइम तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता था इसलिए दो बेस्ट ड्राइवर चाहिए था इसलिए मैंने मेरा जो जेठीमा है ना फादर की बड़ी बहन उसका बेटा मुनिंदा उसे चूज किया मेरा एक भाई है कृष्णदा उसे चूज किया और मेरे बड़े भाई उत्पल दास को भी सिलेक्ट किया सो so, हम चारों निकल गए एक दिन शाम को सिक्स थर्टी के आसपास निकल गए घर से ऑल नाइट ड्राइव किया उसके बाद हम लोग अगले दिन सुबह करीबन मान लीजिए सिक्स सिक्स ए एम होगा शायद हम लोग बिहार पहुंच गए पटना जो है ना बिहार से बहुत दूर था मान लीजिए हमारे यहाँ से चलते टाइम बिहार फर्स्ट पड़ता है और पटना जो है ना बिहार के लास्ट में है बिहार पटना जो है वो सिटी है हम लोग चलते गए चलते गए करीबन साढ़े ग्यारह बजे हम पहुंच गए लेकिन डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं था हमने रूम वगैरह लिया रेस्ट किया शाम को डॉक्टर के दिखाया डॉक्टर ने ठीक से देखा डॉक्टर ने टीयर के साथ और एक प्रॉब्लम निकाल दिया वो था बॉन डिसऑर्डर मेरा बोन जो है ना वो गलत तरीके से बड़ा हो गया था इसलिए मेरे मांग मसल में तीयर आ गया था सो तो डॉक्टर ने डेट वगैरह दिया प्रॉब्लम को सॉल्व समझा दिया और ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट डे को सिलेक्ट किया और उसी दिन शाम को मेडिकल में एडमिट होने के लिए बोला तो उसी दिन शाम को मैंने मेडिकल में एडमिट हो गया फिर दिन नेक्स्ट दिन आ, हमारा ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन के बाद एक दिन डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा नेक्स्ट दिन हमको डिस्चार्ज कर दिया हम लोग घर गए लेकिन मेरा जो पैर है ना अभी ठीक ठाक है मैं चल भी सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा दर्द होता है और पैर के जो नीचे जो ऊपरी पर्सन है ना उसमें जैसा फील होता है मैंने डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर ने कहा कि एक दिन चेकअप के लिए आ जाओ सो चेकअप करने के बाद पता चलेगा से सेल में हुआ क्या है मैं हॉस्पिटल के कुछ फोटोज वगैरह आप लोगों को यहाँ पे लगा दूंगा सो आप लोग देख लीजिएगा और मैंने फर्स्ट टाइम हिंदी में व्लॉग बनाया है मैंने सोचा है कि हिंदी में व्लॉग बनाऊंगा सो तो आप लोगों को कैसा लगा हिंदी में व्लॉग बनाओ या आसामीस में व्लॉग बनाओ आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत बहुत शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ और बीच बीच में आप लोगों को व्लॉग डालता रहूंगा आप लोग प्लीज आप लोगों का प्यार मुझे देता रहिए धन्यवाद थैंक यू